नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश व पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए तिलक इंटर कॉलेज औरैया के 3 बूथ एवं गोपाल इंटर कॉलेज औरैया के बीच 5 बूथों में सभी मूलभूत व्यवस्थाएं देखी और संबंधितों को पेयजल, विद्युत व्यवस्था, शौचालय, रैंप, फर्नीचर, आवागमन के रास्ते सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं को समय रहते पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही बूथों पर नाम संख्या, बीएलओ सहित अन्य लेखन कार्य पूर्ण करने के साथ साथ आवश्यक व्यवस्थाओं को समय रहते दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान के समय किसी प्रकार की कोई समस्या मतदाताओं व मतदान कर्मियों को ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक आधारभूत व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण कर ली जाए। उक्त द्वय अधिकारियों ने कहा कि आधारभूत व्यवस्थाओं की पर्याप्त उपलब्धता होने से आने वालों को छाया, पीने के लिए पानी, बैठने एवं शौचालय आदि की सुविधा प्राप्त होती है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी प्रकार की अव्यवस्था होने की स्थिति नहीं रहती, इसलिए यह आवश्यक है कि व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो। उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए। दिलीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।